हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे होंडा शाइन BS6 2022 मॉडल। दोस्तों, कोई भी चीज को लेने से पहले हम उसकी प्राइस को देखते हैं, क्या हमारी वह बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूं। तो यह बाइक आपको आर्यन होंडा रायपुर रोड महासमुंद में एक्स शोरूम प्राइस 78,042 रुपए और ऑन रोड प्राइस 91,982 रुपए में मिल जाएगी। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको इस बाइक की पूरी जानकारी दूंगा, इसकी माइलेज क्या है, इसमें फीचर क्या क्या दिया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रंट में आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ ब्लैक कलर में वाइजर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको होंडा की बेजिंग मिल जाती है। हेडलाइट के ऊपर आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मडगार्ड मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इस बाइक के फ्रंट में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। इस बाइक के फ्रंट में आपको TVS के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें तो 80/100 18 इंच के टायर मिल जाते हैं। स्विचेस की बात करें तो इस बाइक में आपको मिल जाता है यहाँ पर पास का स्विच, यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच, नीचे हार्न का स्विच, इस तरफ आपको मिल जाता है इंजन कील और सेल्फ स्टार्ट का स्विच। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की डिजाइन के साथ ORVM देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको होंडा की बेजिंग मिल जाती है। इस बाइक में आपको कुछ इस तरह की नॉर्मल की देखने को मिल जाएगी। वेब की वगैरह इस बाइक में आपको अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर शो होता है। यहाँ पर आपको इकोनॉमी मोड की वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको ट्रिप शो होता है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल की वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको इंजन माल फंक्शन की वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको लो फ्यूल की वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर हेडलाइट की वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की वार्निंग मिल जाती है। इस बाइक में आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको सिटी में 50 से 55 की और हाईवे में 60 से 65 की माइलेज मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 3D क्रोम के साथ होंडा की बेजिंग मिल जाती है। नीचे आपको काफी स्टाइलिश लुक के साथ ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, जो इस बाइक के लुक को काफी इनहेंस कर रही है। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 125 का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक सिंगल हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको होंडा का बेजिंग मिल जाता है। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक एडजस्टेबल फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंजन कट ऑफ का सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड मिल जाता है। दोस्तों, इस बाइक के साइड स्टैंड में लगा सेंसर कैसे काम करता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस बाइक में गियर डालूंगा। जैसे ही मैं गियर डालता हूं तो इस बाइक का इंजन ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक सेफ्टी फीचर मिल जाता है। यहां पर आपको एक एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है। इस बाइक में आपको फाइबर में चैन कवर देखने को मिल जाएगा। इसके रियर में आपको मिल जाता है हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन। यहाँ पर आपको शाइन का स्टीकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा लेडीज फुटरेस्ट के साथ। यहाँ पर आपको सीट को ओपन करने के लिए की इंसर्ट करने की जगह दी गई है, यहाँ से आप सीट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नॉन फ्लेक्सिबल नॉर्मल बल्ब के साथ टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। इस बाइक में आपको काफी कंफर्टेबल सॉफ्ट सीट मिल जाती है। चलिए बाइक के रियर लुक को देख लेते हैं। रियर में आपको बाइक कुछ इस तरह की दिखेगी। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ ग्रिप हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर आपको होंडा का स्टिकर मिल जाता है। नीचे आपको टेल लाइट नॉर्मल बल्ब के साथ मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह दिया है। चलिए बाइक की दूसरी साइड को देख लेते हैं। बात करें बाइक की दूसरी साइड की, तो बाइक की दूसरी साइड भी आपको यहाँ पर शाइन का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के रियर में आपको TVS के ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे 80/100 18 इंच के। इसके रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक जॉस के ऊपर क्रोम फिनिश के साथ माफलर गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर आपको इनहेंस स्मार्ट पावर का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक किक मिल जाता है। इस बाइक को आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होंडा की बेजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक एडजस्टेबल फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप रियर ब्रेक लगा सकते हैं।
दोस्तों इस बाइक में मिलती है आपको 124 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर F5 BS6 इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 10.74 PS 7500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 11 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस बाइक की टॉप स्पीड है 100 km/h। इस बाइक में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इस बाइक की एग्जॉस्ट साउंड को सुन लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। इस बाइक में आपको डिस्क वेरिएंट भी मिल जाता है, आप चाहें तो डिस्क वेरिएंट भी ले सकते हैं। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं श्री आर्यन होंडा रायपुर रोड महासमुंद में। मिलते हैं एक नई बाइक की रिव्यू के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।